चैनल रैबिट डॉल्स 2.0। एक नए दिन में आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से डॉल्स फैमिली तैयार है अपने हॉलीडे का एक नया दिन स्पेंड करने के लिए। तो हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, यहाँ से हमें ट्रेन लेनी होगी सेंट्रल लंदन के लिए, और आगे का सीन आपको दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय, मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है हमारा एपिसोड पार्ट 2, जो कि हमारी हॉलीडे सीरीज का सेकंड पार्ट है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने संडे अपना हॉलीडे जो है स्काई गार्डन में बिताने का सोचा था, लेकिन वो प्लान हमारा फ्लॉप हो गया। फ्री टिकट्स हम बुक नहीं कर पाए थे एडवांस में, तो हमें वहाँ एंट्री लेना मुश्किल था, क्योंकि जिनकी टिकट्स बुक थी उनके लिए ही काफ़ी लंबी वेटिंग लाइन लगी हुई थी। तो हम वहाँ से आगे बढ़ गए, और क्योंकि आज के दिन जो है लंदन में काफ़ी सुनसान लगा, लोग बहुत ज़्यादा भीड़, संडे होने के बावजूद भी इतने लोग हमको दिखाई नहीं दिए, तो कुछ अलग ही माहौल था। तो हम आगे बढ़ गए, और चलते चलते फिरते फिरते घूमते हुए हमने प्लान किया कि हम लंदन आई की तरफ जाते हैं। और हम यहाँ कैथेड्रल चर्च के पास रुके हुए थे, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया, बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा चर्च है ये। थोड़ा समय यहाँ बिताने के बाद जब हमारे बस का टाइम हुआ, तो हमने बस पकड़ी और हम निकल गए लंदन आई के लिए। हालांकि लंदन आई हम इससे पहले विजिट कर चुके हैं, बट क्योंकि आज का माहौल थोड़ा सा अलग है, तो हमें लगा शायद बिग बैन और लंदन आई जो आसपास ही हैं, हमने सामने हैं, तो वहाँ शायद माहौल थोड़ा अलग हो, लोग हों, वहाँ के कुछ रेस्टोरेंट खुले हों, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो हम लंदन आई की तरफ चलते हैं, और कुछ समय वहाँ बिताने के बाद हम वहाँ से लौटेंगे अपने घर के लिए। तो ये है, हम रेड बस में बैठे हुए हैं, और हमने जो है सेंट पॉल्स कैथेड्रल से अपनी बस पकड़ी थी, और अब ये बस जो जा रही है वो काउंटी हॉल के पास जाएगी, जो कि है एकदम लंदन आई के पास। और आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा आपके सामने, दूर से बिग बैन नज़र आता हुआ और लंदन आई तो दिख ही रहा है। तो ये एक बहुत खूबसूरत साइट है दोस्तों। और इस व्लॉग में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप एक छोटी सी ट्रिप प्लान कर रहे हैं लंदन आने के लिए, तो अक्सर जो कुछ मेन अट्रैक्शंस हैं उसमें से एक है लंदन आई, बिग बैन और टावर ब्रिज, या जिसे हम लंदन ब्रिज भी कहते हैं। ये दो तीन जगह ऐसी है जहाँ लोग जाकर एक पिक्चर ज़रूर लेना चाहते हैं, वो एक प्रूफ होता है कि यस, हमने लंदन विजिट किया। तो ये उन जगहों में से एक है, बिग बैन और लंदन आई, जो कि आमने सामने हैं और आप एक साथ ही कवर कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ आए हैं, और इस व्लॉग में छोटे सा व्लॉग है ये, और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप खुद आकर, कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रैवल पैकेज के साथ आते हैं या टूर पैकेज लेते हैं जिसमें ये सारे साइट सीन कवर किए जाते हैं, तो अगर आपने ऐसा कोई पैकेज नहीं लिया है, तो आप किस तरह से यहाँ आकर अपना ये एक दिन का ट्रिप, अगर इस एरिया को कवर करना चाहते हैं, तो एक दिन में आप आराम से कौन कौन सी जगह हैं जो कवर कर सकते हैं। तो जैसे बिग बैन और लंदन आई मैंने आपको बताया कि एक ही जगह पर है आमने सामने, तो आप इस जगह को खुद से प्लान कर सकते हैं। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारा लंदन आई का, ये जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवॉल्विंग ऑब्जर्वेशन व्हील है, और ये काफ़ी बड़ी है, और इससे मोर देन 85 अवार्ड्स, इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। और ये जितने भी व्हील्स इसमें हैं, ये कैप्सूल शेप के व्हील होते हैं, या इसे फेरीज भी बोलते हैं। जी हाँ, ये फेरीज व्हील के नाम से भी फेमस है, और ये थेम्स रिवर के ऊपर है, साउथ बैंक में जो पार्ट है थेम्स रिवर का, और ये बहुत ही ह्यूज है, और इसमें ये बहुत स्लोली रन करता है। ये जो टाइम इसका है अप्रॉक्सीमेट हाफ एन आवर में ये पूरा एक सर्कल कवर करता है, और एक ही सर्कल जो है इसमें आपको मिलता है। और ये जो 32 कैप्सूल्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं लंदन के हर एक बोरो को, और एक कैप्सूल में जो है, मतलब ये पूरे जो कैप्सूल्स हैं इसमें 800 के करीब लोग एक बार में आ सकते हैं, जो कि
आई थिंक कितने तो डबल डेकर बसेस के बराबर होता है, शायद आई थिंक 11 डबल डेकर बसेस में जितने लोग आ सकते हैं उतना इस पूरे एक लंदन आई के 32 कैप्सूल में लोग आ सकते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है, बट हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगी कि ये वन टाइम वर्थ है अगर आप लंदन विज़िट कर रहे हैं तो, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। और जब हमने विज़िट किया था तो हमें 114 pounds हम तीन लोगों के लगे थे, ऑलमोस्ट 15,000 yes, अगर इंडियन रुपीज़ में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ एक बार का आधे घंटे का चक्कर लगाने का हमको इसका कॉस्ट पे करना पड़ा था। तो आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं एडवांस में, और अगर दिन अच्छा है, खुला हुआ है, बहुत ज़्यादा फॉगी नहीं है एरिया, तो आप दूर तक कई सारी चीज़ों को जो मेन मेन सेंटर पॉइंट है लंदन के वो आप देख सकते हैं। मेरे मुँह से अक्सर लखनऊ ही निकलता है, लंदन बोलते बोलते मैं लखनऊ पहुँच जाती हूँ। तो जी हाँ, तो यहाँ से आपको काफ़ी दूर तक का नज़ारा दिखाई देता है और बहुत खूबसूरत होता है। आप मेमोरीज अपनी कैप्चर कर सकते हैं और इसके अंदर जो है सारी हिस्ट्री जो है वो ऑडियो चलता रहता है, तो आपको जो भी मेन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं दूर तक वो इसमें ऑडियो में आपको उसकी हिस्ट्री बताई जाती है। तो ये देखिए अंदर का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, कितना खूबसूरत है। यहाँ से स्काई गार्डन की बिल्डिंग जो हम अंदर से नहीं देख पाए वो बाहर से भी, यहाँ से भी विजिबल है, हम यहाँ से देख सकते हैं उसे। पूरी थेम्स रिवर दिखाई देती है और आपको लंदन ब्रिज भी दिखाई देगा यहाँ से। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था। ये उस दिन के वीडियोज़ हैं जब हम यहाँ पहली बार आए थे और बहुत ही खूबसूरत समय था वो हमारा, बहुत अच्छा भी था। तो इस तरह से ये लंदन आई है और यहाँ पे लोग काफ़ी भीड़, या इस जगह पूरे लंदन में जो भीड़ नहीं नज़र आ रही थी वो यहाँ नज़र आ रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे फेरीज चलती हैं ऊबर, ये देखिए आप लंदन आई, वेलकम टू द लंदन आई। और यहाँ पे जो है बोट्स चलती हैं, बोट राइड भी होता है और वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो एक साथ इस जगह पर आप तीन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लंदन आई क्रूज़, आप यहाँ पे ऊबर बोट की सवारी भी कर सकते हैं, फेरीज भी चलती हैं, स्पीड बोट्स भी हैं यहाँ पर, और टिकट आप यहाँ आकर भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो आप पहले से बुक कर सकते हैं। और ये है रास्ता जो अंदर जाता है बोट के लिए। आज हमने बोट राइड नहीं की है लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम अंदर तक जा रहे हैं कि अगर कभी आप प्लान करते हैं तो आप इजीली इन जगहों को फॉलो कर सकें। और ये है अंदर का नज़ारा, यहाँ लाइन लगी हुई है, लोग यहाँ बोट राइड ले रहे हैं। और ये पूरा थेम्स रिवर के साइड साइड में जितने भी मेन एरियाज़ हैं लंदन के वो ये बोट राइड जो है कवर करती हैं। पूरा एक मैप बना हुआ है जो आपको बताता है कि आप कितने घंटे के लिए बोट राइड पे जाएंगे और कौन कौन सा एरिया है जो ये बोट राइड कवर करेगी। तो हमने यहाँ केवल कुछ पिक्चर्स ली और अंदर तक गए और एक वीडियो बनाया, बस इतना ही हमने यहाँ पे किया। तो आप देखिए इसमें आपको नज़र आएगा कि कितना खूबसूरत यहाँ से बोट राइडिंग का एक्सपीरियंस है। और ये हम आने वाले समय में ज़रूर करेंगे, लेकिन वही बात है कि जब आप यहाँ, क्योंकि अब हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास समय है और हम दोबारा कभी आ सकते हैं आराम से इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दो दिन या चार पांच दिन के ट्रिप पर आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप बोट राइड कर सकते हैं, आप लंदन आई की इस व्हील का आधे घंटे की राइड का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन अभी हमने इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया। और ये काफ़ी हैपनिंग एरिया है, यहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। जैसे अभी ये समर्स चल रहे हैं तो काफ़ी एजुकेशनल ग्रुप्स थे जो हमको दिखे, स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जो अपने अपने ग्रुप में यहाँ समर वेकेशन के लिए आए हुए हैं लंदन में। तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर थी और ऐसा लग रहा था सारा लंदन खाली होके यहाँ आ गया है। तो इसलिए ये एरिया जो है काफ़ी हैपनिंग है, यहाँ काफ़ी सारे म्यूज़िकल इवेंट्स होते रहते हैं, डांस के इवेंट होते रहते हैं, लोग जो हैं आकर अपना छोटे छोटे परफॉर्मेंस देकर यहाँ पे एक
पूरे समय एक एंगेजिंग माहौल है। तो अगर आप आपके पास ज़्यादा दिन हैं तो आप यहाँ पूरा दिन भी स्पेंड कर सकते हैं, आपको ख़राब नहीं लगेगा। क्योंकि एक तो मौसम बहुत अच्छा होता है, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, आप समर के टाइम पे आ रहे हैं तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बस बारिश ना मेहरबान हो। क्योंकि आपको मालूम है कि यूके का वेदर प्रेडिक्टेबल नहीं होता, कब बारिश कभी भी हो सकती है। तो अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर आप तो लकी ही लकी हैं, आप बड़े मज़े कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा समय यहाँ स्पेंड करने के बाद जो है, अब हम क्योंकि भूख लग रही है, और जैसा कि हम पहले कई बहुत देर से ये चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि कोई रेस्टोरेंट नहीं खुली हुई है कि जहाँ बैठकर हम कुछ देर टाइम स्पेंड करें, खा सकें आज के दिन, लेकिन नहीं, हमारा लक अच्छा नहीं है, लक बाय चांस इज बैड टुडे। तो अब हम जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वैन जो है बड़ी देर से पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे भूख लग रही है और मुझे हॉट डॉग खाना है। तो इस एरिया में हॉट डॉग्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, होता कुछ नहीं, एक छोटा सा हॉट डॉग ब्रेड के अंदर एक जो सॉसेजेस का पीस होता है उसमें कुछ कैरमलाइज्ड अनियन होती है, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो स्मॉल साइज़ है वो 8 pounds, लगभग 800 रुपीज़ का वो होता है, और जो बड़ा साइज़ है वो 1000, एंड इट्स जस्ट अ हॉट डॉग। कोई उसमें ख़ास ना कोई स्पेशल टेस्ट होता है, कुछ भी नहीं होता। तो अब क्योंकि भूखे हैं और कुछ और ऑप्शन नहीं है, तो फिर वही है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अब हम बाहर की तरफ चलते हैं, और ये बिग बैन के पास आ गए। हम KFC और मैकडोनल्ड ढूंढ रहे थे, मिला तो कुछ भी नहीं, तो अब हम बिग बैन के पास आ गए हैं। और यहाँ जितनी भी बार आओ लगता है कि इस बार फिर से एक नया पोज बनाकर पिक्चर लिए जानी चाहिए। तो अब हम फिर से वैसे ही कुछ करेंगे। इस बार हम पिछली बार जब हम आए थे तो हम रोड के उस तरफ थे, और ये हो रहा है लगभग 8:30 बज रहे हैं रात के, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं कि 8:30 से ऊपर हो चुका है। और हमें घर भी जाना है क्योंकि अब भूख लग रही है, और हॉट डॉग से पेट तो भरेगा नहीं, और इतने ज़्यादा पैसे हॉट डॉग पर खर्च करने का मेरा कोई मूड नहीं है, क्योंकि कोई इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। और ये देखिए रिक्शे चलते हैं यहाँ पर, ये लंदन के रिक्शे हैं म्यूज़िक के साथ में, और काफ़ी लाउड वॉल्यूम पे इसमें म्यूज़िक चल रही होती है, लोग इसके भी मज़े लेते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस सड़क पर से आपको दोनों तरफ, एक तरफ लंदन आई दिखेगा और एक तरफ बिग बैन दिखेगा। और यहाँ पे काफ़ी हैपनिंग सा माहौल हो रखा है, लोग डांस कर रहे हैं DJ लगाकर, और अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो हो रही हैं। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लोग हैं जो डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में यहाँ पे मेकअप के साथ होते हैं, आज के दिन तो खासकर ऐसे ही है। उससे पहले मैं ये बताऊँ, ये देखें, ये एक कार जो कुवैत से आई हुई है, और इस वक्त मिस्टर डॉयल का दिल जो है बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, क्योंकि ये उनका सपना था कि हम इंडिया से लंदन, जो बाय रोड ट्रैवल का एक प्लान है, उसे करके हम इंडिया से लंदन तक आएँ। कभी ये उनका ड्रीम था, लेकिन अब जब हम यहाँ आ गए, लंदन आ गए, तो अब वो चाहते हैं कि लंदन से वो इंडिया जाएं, और ये गाड़ी देखकर वो थम गए, क्योंकि ये बंदा जो है ये कुवैत से अपनी कार लेकर लंदन आया हुआ है। और क्या शान है, देखिए बिग बैन के सामने अपनी कार को रख कर फ़ोटो खिंचवा रहा है। ये है बिग बैन, ये लंदन आई, और उसके बीच में खड़ी है उसकी कार। ये रहे वो लोग जिनके बारे में मैं बात कर रही थी, ये मिकी माउस बने हुए हैं, और भी कुछ लेडीज़ हैं जो यहाँ पे विद कॉस्ट्यूम घूम रही हैं, और ये DJ लगा हुआ है पूरा रोलिंग व्हील के साथ में, डांस परफॉर्मेंस चल रही है, ये भी अपने पैसे कमा रहे हैं। तो इन लोगों से ज़रा सावधान रहें, क्योंकि जब आप पोज करके पिक्चर खिंचवा रहे होते हैं तभी ये बड़े प्यार से आके आपके पास जो है खड़े हो जाएंगे और आपके साथ पिक्चर्स खिंचवाने लग जाएंगे, और आप भी बड़े मज़े से इनके संग पोज देकर अलग अलग पोज में पिक्चर खिंचवाएंगे, और उसके बाद जो है ये आपसे पैसे मांगने लग जाएंगे। ये देखिए, ये जो है लेडी है, और आई थिंक ये इंडियन लेडी ही थी, और मिकी माउस बना हुआ जो बंदा है वो भी कोई इंडियन ही है। और वो जो है, हम लोग अपनी फैमिली पिक्चर्स ले रहे थे, और वो आके मिस्टर डॉयल के हाथ पकड़कर खड़े हो गए, और फिर उन्होंने वैन को भी खींच लिया, और पिक्चर लेने के बाद जो है उन्होंने अपना मुंह खोला कि अब हम उन्हें 10 pounds दे दें या हम उन्हें कुछ पैसे दे दें। तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग आपको दिखेंगे गुलाब लेते हुए हाथ में, और वो आएंगे बड़े प्यार से आपको 2-3 कॉम्प्लीमेंट देंगे। ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो डिफरेंट कॉस्ट्यूम में खड़े हैं, उनके हाथ में रोज़ेस हैं, और वो आपको बड़े प्यार से रोज़ेस देंगे, और
एक दो कॉम्प्लीमेंट देंगे, आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा मेरे साथ विक्टोरिया स्ट्रीट पे हुआ था। एक लेडी थी जो बड़ी खूबसूरत थी और उसने आके मुझे रोज़ दिया और उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और वो मेरे शुरुआती दिन थे, आई थिंक मुझे आए हुए एक हफ्ता ही हुआ था लंदन में, तो मेरे लिए तो एकदम ही अलग और नया सा एक्सपीरियंस था। और मैं बड़ी खुश हो गई कि ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही है और रोज़ भी दे रही है। और जब मैंने रोज़ ले लिया तो फिर उसने कहा कि अब आप मुझे 10 pounds दे दो। फिर उसने अपने पेट की तरफ इशारा किया कि शी इज़ प्रेगनेंट। तो ये बहुत होता है यहाँ पर, इस चीज़ से आपको बहुत ही, जी हाँ लंदन है बट होता है। तो अब बज रहे हैं रात के 9 और अब समझ में आ रहा है कि अब हम हो रहे हैं लेट। ये धोखा यहाँ बहुत होता है इस रोशनी के साथ, स्पेशली जब मैं घर पे होती हूँ और रोशनी होती है तो मैं बड़ी लेज़ी बने हुए घर में पड़ी रहती हूँ कि अरे अभी तो टाइम है, अभी दिन नहीं ढला, अभी खाना बनाएंगे। और जब खाना बनाने की प्रिपरेशन शुरू करती हूँ मैं, तो देखती हूँ कि रात का 9 बज रहा है और अब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी और खाना बनाते बनाते कभी 10 कभी 10:30 बज जाता है। तो अब हम लास्ट हो करने जा रहे हैं इस व्लॉग को। हमने अपना दिन स्पेंड कर लिया और जो कुछ भी छोटा मोटा हम कर सकते थे आज हमने किया। और हम जा रहे हैं दूसरी तरफ जहाँ से, क्योंकि अब रात धीरे धीरे रोशनी जो है जा रही है, तो यहाँ की लाइटनिंग जो है लंदन आई की, वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो अगर हम उतनी देर रुक पाए और उस नज़ारे को कैप्चर कर पाए तो आप इस वीडियो में देखिएगा कि यहाँ से अंडरग्राउंड स्टेशन है जहाँ से हमें अपनी ट्रेन पकड़नी है। तो कुछ पोजेज़ और सोचा कि यहाँ पे पिक्चर्स ले ली जाए, थोड़े से पोज और मार लिए जाएं, क्योंकि जितनी भी बार आओ उतनी बार कम ही लगता है दोस्तों। तो हमने सोचा थोड़ी देर में अगर रोशनी कम हो जाती है और इसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो हमें एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। और धीरे धीरे देखिए पिंक लाइट्स ऑन होती हुई लंदन आई के चारों तरफ। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप एक दो दिन के लिए आ रहे हैं और टूर पैकेज नहीं ले रहे हैं तो ऑनलाइन आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जिस भी एरिया में आप हैं, सिटी मैपर मैप को आप अपने ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और जिस जगह आपको जाना है, फॉर एग्जांपल आपको लंदन आई या बिग बैन जाना है, आप उस जगह का एंड पॉइंट पर नाम लिखिए और वो आपको रास्ता सजेस्ट कर देगा। आप डायरेक्टली बस से या ट्रेन से, जिस भी तरीके से आप यहाँ आना चाहते हैं, आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और एक ही दिन आप यहां पे फेरी का मजा ले सकते हैं, लंदन आई व्हील में ट्रैवल का मजा ले सकते हैं और साथ ही साथ आप बिग बैन भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आपको आएगी कि यस यू हैव डन समथिंग इन अ डे इन लंदन। और यहाँ से अगर आपके पास समय बचता है तो फिर बस लेकर आप लंदन ब्रिज की तरफ भी जा सकते हैं, वो काफी दूर नहीं है, पास ही है। तो पर लेकिन आपको बस लेनी होगी और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आपको मौसम का मज़ा लेना है और चलने की अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बाय वॉक भी जा सकते हैं। तो धीरे धीरे लाइट्स ऑन होती हुई और ये शाम ढलती हुई, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। सारी स्ट्रीट्स, सब तरफ सारे मार्केट सब कुछ बंद है, सारे शॉप्स बंद हैं। जितना एरिया हमने घूमा है सेंट्रल लंदन का, वो पूरा का पूरा मार्केट नहीं है। एंड हम लोगों ने लंदन आई कवर इसलिए किया बिकॉज हम लोग अपना जो पोपट हुआ था हमारे दिन में, तो उसको कवर करने का कोई कम से कम पोपटी करना था हम। हाँ, तो हम फिर वहाँ से घूमते हुए लंदन आई की तरफ आ गए, बैंक की तरफ आ गए। ये एरिया थोड़ा हेल्पफुल सा है, उस साइड बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो हो सकता है जितने पीपल यहाँ पे हैं उतने लोग हो सकते हैं वहाँ। एंड इस साइड हम लोग अभी आए हैं रिकॉर्ड करने के लिए, इस साइड तो ज़्यादा लोग नहीं, जिस साइड बिग बैन है। और तो हम लोग जो एरिया पूरा वॉक किया कैथेड्रल की तरफ हम थे और पूरा एरिया शांत था, ना भीड़ थी, ना ट्रैफिक था, ना लोग चलते फिरते कुछ नज़र आ रहे थे, सारी रेस्टोरेंट बंद थी। हम कुछ भी हमने दिन भर से नहीं खाया इस वजह से क्योंकि सब कुछ बंद था। हम वैन ने बस हॉट डॉग खाया है, एक आइसक्रीम खाई है और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रात को मैं कुछ मिलने वाला है। हम लोग नॉकआउट होने वाले हैं बिकॉज हम लोग वी आर टायर्ड। अच्छा है, तो चलते हैं वेस्टमिंस्टर स्टेशन और वहाँ से लेंगे हम अपनी ट्रेन और जाएंगे वापस घर।
मिलते हैं आपसे फिर नई अच्छी वीडियो के साथ. बाय बाय. सी यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.